क्या आपने कभी उल्लू को पान खिलाया है? सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि लक्ष्मी की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए दिवाली की रात में उल्लू को पान खिलाने का टोटका किया जाता है। वैसे तो इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन दीपावली के दो दिन पहले से टोटकों का दौर शुरू हो जाता है। ये दौर 3 दिन तक चलता है। धनतेरस, काली चौदस और अमावस्या यानी दीपावली, तीनों दिन अलग अलग चीजों के सैकड़ों तरह के टोटके किए जाते हैं। दीपावली से एक रात पहले यानी काली चौदस को ऐसी गतिविधियां कई गुना बढ़ जाती हैं। कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी के वाहन को इस रात पान खिलाता है, तो कोई शत्रु पर विजय के लिए टोने टोटके करता है। काली चौदस के दिन रात को लक्ष्मी माता की पूजा करने के बाद पूजा को अधूरा छोड़ दिया जाता है, ताकि लक्ष्मी जी रात को घर में प्रवेश करे और घर में स्थायी रूप से वास करे। इसके बाद दीपावली के दिन पूजा को पूरा किया जाता है। काली चौदस की रात को किसी मंदिर में जाकर काले कपड़े में लिपटे हुए नारियल को फोड़ने से बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन 7 हरी मिर्च और 1 नींबू को धागे में पिरोकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। इसे घर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। रात के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करें और अपने मस्तक पर उसका तिलक लगाएं। इससे भी शत्रु और बाधा और आपके हर डर का नाश होता है।